एक महिला जो हमारे पास बेहोशी की हालत में आई थी, उसके घर वालों ने बताया कि कुछ दिन से सिर दर्द, उल्टी की शिकायत थी और धीरे धीरे महिला पूरी तरह से बेहोश होती गई। और जब वो हमारे पास आई तो काफ़ी बुरी हालत में थी। हमने जांच की, एमआरआई में पता लगा कि सिर में काफ़ी बड़ा ट्यूमर है, गांठ है जो कि ब्रेन के अगले हिस्से में है और नाक और ब्रेन को जोड़ने वाली हड्डी तक जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया और वो ट्यूमर हमने पूरा का पूरा निकाला है। और उसके बाद जब हमने रिपीट स्कैन कराया तो कोई ट्यूमर बचा हुआ नहीं था। आज वो मरीज हमारे पास चलती भी आती है, टोटली सिम्टम फ्री है। और उसको अभी जब दोबारा हमने एमआरआई करा के देखी तो अभी तक कोई ट्यूमर का अवशेष हमें नहीं मिला है। ब्रेन ट्यूमर हमेशा एक छोटे ट्यूमर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। कुछ ट्यूमर जो कि एग्रेसिव तरह के होते हैं या जो कैंसरस होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बाकी के ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते हैं। लक्षण हमें शुरू से ही होते हैं मगर मरीज उन्हें नज़रअंदाज करता रहता है। सामान्य लक्षण है सिर दर्द, कभी उल्टी होना, चक्कर आना, कहीं सुन्नपन आना, थोड़ी सी देर के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, बेहोशी आना, हाथ पैर में सूनापन या झुनझुनी टाइप होना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में होते हैं और बहुत ही माइल्ड रूप के होते हैं और हमें इन्हें दिन प्रतिदिन के लक्षण मान के हम नज़रअंदाज करते जाते हैं। और जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है तब मरीज हमारे पास जब आता है तो आधे बेहोशी की हालत में आता है या उसको लगातार दौरे आ रहे होते हैं या पूरी तरह से लकवा हो चुका होता है और फिर उसका इलाज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इनिशियल स्टेज में इलाज हमेशा बहुत अच्छे से होता है मगर इसीलिए मेरा कहना है कि कभी भी किसी भी सिम्टम्स को नज़रअंदाज न करें, तुरंत किसी न किसी न्यूरो एक्सपर्ट से इसकी सलाह लें।